Nosso lá não se atrapa. Que a derga de ando, sei o turca, chen garna é a e tribu de se buja de regi é a que dava buja que de regi é e bito de regi é a que che andrude tin or esse de regi é a que bara or bici de regi é a que che deu de ando, hame gat garna é que tribu me consa corne. Isso bicho de regi é, sar de regi é, petalis é, na pedo ham cable corn capuche corn que se gat garçante. एक ही दर्जा तो होगा 60 डिग्री या होगा आपके 90 डिग्री 60 कब होगा 60 कब होगा जब ये तीनों भुजाएं क्या होंगी आपके बराबर तो वो कहलाएगा आपके समभुज त्रिभुज तो होगा और समकोण कब होगा जब उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हुआ तो कौन सा त्रिभुज होगा आपके समकोण तो 60 तो ये होगा नहीं क्योंकि तीनों भुजाएं आपके बराबर है नहीं अब ये देखना है कि 90 डिग्री है या नहीं ये दो ही हो सकते हैं तो 60 या होगा 90 तीनों बराबर है तो 60 और बराबर नहीं है तो क्या करेंगे सबसे बड़ी भुजा AC है सबसे बड़ी इसका क्या वर्ग करो तो 12 का वर्ग क्या होगा बताओ आपके 144 अब अन्य दो छोटी-छोटी भुजाएं क्या नाम है AB का भी वर्ग और BC का भी वर्ग दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए अगर है तो कितना डिग्री होगा आपके 90 डिग्री होगा क्या नाम है 6 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर ये तो हो गया आपके 636 और इसका केवल 3 बनेगा स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट भी हट जाएगा 36 3 108 प्लस 636 ये हो गए आपके 144 दोनों बराबर मिल गए हम ये लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है अतः ये कौन सा त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज है क्यों है कारण बताओ परमेय नंबर 6.9 समकोण बाद में आया है समकोण पहले आता हो तो क्या होता आपके परमेय नंबर 8 अतः ये जो कोण है कितना होगा आपके कोण होगा आपके 90 डिग्री जो भी है थीटा 90 डिग्री कोण थीटा मतलब कोण 90 डिग्री आया समझ में